हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्कैलेटन नर्सिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की इस क्लास के अंदर आप सभी को पता है कि आज हमारी थर्ड क्लास होने वाली है 45 डेज चैलेंज की। 2 दिन से हमारी कोई क्लासेस नहीं हुई थी, उसका कारण था मेरी कुछ दिनों से तबीयत भी खराब थी, उस चक्कर में हमारी क्लासेस जो है वो नहीं हो पाई थी। आज भी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको लाउड बोलने की और पूरा समझाने की। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के जो क्वेश्चंस आपके लिए होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हर टॉपिक से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए हैं उस टॉपिक को हम पूरा करते हुए चलेंगे। आगे बात समझ में बच्चों, आज सेकेंडरी के क्वेश्चंस भी आप देखोगे, आज आप रीनल सिस्टम के क्वेश्चंस भी आप देखोगे, आज आप फंडामेंटल के क्वेश्चंस भी आप देखोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लिए हैं, तो आज की क्लास में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबको क्लास के अंत तक बने रहना है, ताकि चीजें जो एक एक चीजें जो है वो आपको लगातार और एक सीक्वेंशियल वे में आपको समझ में आ जाए। किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज वेट एंड वॉच, मेरे समझाने का वेट करना है। किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। क्वेश्चन को इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर ही आंसर करना है। आगे बात समझ में, अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्या को पूरा हल किया जाएगा, आपकी जो भी समस्या होगी उसको पूरा हल किया जाएगा। और अगर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है स्केलेटन नर्सिंग के, क्योंकि वहां पे लगातार क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं बच्चों के थ्रू, ठीक है, वहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आपको भी जुड़ना है तो प्लीज इस नंबर पे मैसेज करें, आपको ग्रुप तक ले जाया जाएगा। आगे बस सच में चलिए, आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बात कही थी कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो आप सभी को इस मोटिवेशन से कुछ सीखना है कि अगर आपकी उम्र अगर आपको थका नहीं सकती है, देखो ऐसा नहीं होता है कि आपके दिन ब दिन निकलते जा रहे हैं, सिलेक्शन के आप पास पहुंचते जा रहे हो, हमारे एग्जाम के पास पहुंचते जा रहे हो, काफी दिन हो चुके हैं काफी बच्चों को तैयारी करते हुए, ठीक है। तो किसी भी चीज से घबराना नहीं है। देखो ये चीजें, असफलता जो होती है वो सफलता की एक कुंजी होती है, असफलता ही तो सफलता की कुंजी होती है। अगर असफल नहीं होगे तो सफलता का मजा कैसे आएगा। इसीलिए अपन को पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने माँ बाप पर विश्वास रखना है, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो पाए। आगे बात सच में चलिए, इस क्वेश्चन आज के क्वेश्चंस के बारे में हम डील करते हैं। एक एक क्वेश्चन को रीड करें, अच्छे से रीड करें, उसका क्वेश्चन आंसर दें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ए नर्स एडमिटेड ए क्लाइंट ए नर्स एडमिटेड Declined to the hospital with the suspected diagnosis of the bulimia nervosa. ये साइकेट्री का क्वेश्चन है बच्चों, बुलेमिया नर्वोसा का क्वेश्चन है। बुलेमिया नर्वोसा क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। एंड वेन परफॉर्मिंग द एडमिशन असेसमेंट वेन परफॉर्मिंग द एडमिशन असेसमेंट द नर्स इलेक्ट द डाटा नोइंग दैट द क्लाइंट विद द बुलेमिया। आपको कौन सा डाटा इसका सही लगता है बुलेमिया नर्वोसा के माध्यम से, आप बताएंगे। कि आपने पढ़ा होगा सेक्रेटरी के अंदर दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है बुलेमिया नर्वोसा, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है और बुलेमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं, लेकिन दोनों कंडीशंस ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं। हमारे ईटिंग डिसऑर्डर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बुलेमिया नर्वोसा होता है और एक एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा अपने कॉलेज लाइफ के अंदर, अगर नहीं पढ़ा है तो आज आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बुलेमिया नर्वोसा का मतलब क्या है और एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब क्या है, आपने एक ही चीज को समझना है, दूसरी चीज आपके ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर आ जाएगी। आप सभी बच्चों ने एनोरेक्सिया का नाम सुना है, एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूखा रहना, एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूखा रहना। ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है कि किसी भी बंदे को
या किसी भी फीमेल को क्या कंडीशन देखने को मिलती हैं कि वो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला जो बंदा होता है या फीमेल होती है, जो मेल होता है, जो पेशेंट होता है हमारा, उसको ये कंडीशन देखने को मिलती है कि वो अपना वेट गेन नहीं करना चाहती, वो मोटा नहीं होना चाहती, इसीलिए वो कम खाती है और कम खाने के साथ साथ वो एक्सरसाइजेस करती है। इसका मतलब समझे कि एक तो जो बंदा नॉर्मल डेज में रोटी खा रहा है, चार रोटी खा रहा है, ठीक है, और वो खाना ही बंद कर दे मोटे होने के डर से कि वो मोटा हो जाएगा, उसका वेट गेन हो जाएगा, तो वेट गेन होने के डर से वो क्या कर दे, खाना कम कर दे, तो खाना कम करने से उसको क्या देखने को मिलेगी, उसको सडन सिम्टम्स अपियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है बच्चों, एक्सरसाइज कर रहा है, उसके साथ साथ वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो इसका मतलब वो बंदा जो है माल नरिशमेंट की तरफ जाएगा, मतलब वो एक तो खा नहीं रहा है, एनर्जी नहीं ले रहा है, प्रोटीन नहीं ले रहा है, कैल्शियम नहीं ले रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, और वो क्या कर रहा है साथ ही साथ अपने एक्टिविटीज कर रहा है, जिम जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, पुशअप्स मार रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके अंदर भी एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसको, अपने फैट से मिलेगी, उसका फैट जो है वो टूटेगा, एनर्जी के रूप में बदलेगा और उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे बंदे को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला पेशेंट। इसके अंदर क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है मेरे प्यारे लाल लालियों, ये मोस्ट कॉमन फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है, जिनको डर होता है वेट गेन हम नहीं कर सकते, जिनको डर होता है कि हमारा जो फिगर है वो मेंटेन रहे, हमारा वेट जो है वो 47 रहे, 47 वेट कुड़ीदा, आपने गाना सुना होगा 47 वेट कुड़ीदा, तो यहाँ पे 47 रखने के लिए वो क्या करती है, लड़की कम खाती है और कम खाने के साथ साथ वो क्या करती है, एक्सरसाइजेस करती है, इसीलिए उसको कौन कौन से सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। टोटली मैं अगर बात कहूं एक ही सेंटेंस में, तो माल नरिश देखने को मिलेगी। पतली दुबली लड़कियां जो होती है ना, वो ऐसे ऐसे होती हैं, अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए वो कुछ खाती नहीं है और खाने पीने के बाद भी एक्सरसाइजेस कर लेती हैं, उससे उनका क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, माल रिश की तरफ चले जाती हैं और उनको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेस भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कंडीशन आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। आगे बात समझ में, एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब समझ में आ गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा उन पेशेंट के अंदर देखा जाता है जो पेशेंट खाते नहीं है, भूखा रहते हैं और उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस करते हैं, उसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। यही जस्ट अपोजिट आपको क्या करना है, बुलेमिया नर्वोसा के अंदर काम करना है। बुलेमिया नर्वोसा वाला पेशेंट क्या काम करेगा मेरे प्यारे लाल लालियों, बुलेमिया नर्वोसा वाला जो पेशेंट होगा वो क्या काम करेगा, उसका काम सिर्फ यही होगा, वो बहुत ज्यादा ठूस लेगा, वो बहुत ज्यादा ठूस लेगा, इसको बोलते हैं बिंज पर्गिंग डिसऑर्डर, बिंज एंड पर्गिंग डिसऑर्डर, इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बिंज एंड पर्गिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात समझ में, तो यहां पे कैसा करेगा, कोई एक मरीज है जो एक मरीज क्या काम करेगा, या हम कह सकते हैं साइकेट्रिक पेशेंट है जिसको ईटिंग डिसऑर्डर्स की बीमारी है, वो क्या काम करेगा, पहले तो बहुत ज्यादा खा लेगा भाई, ठूस ठूस के खा लेगा, वो अच्छी तरह से चार रोटी की जगह छह रोटी खा जाएगा, अच्छी अच्छी ठीक है। अब वो खाने के बाद उसको डर लगेगा कि मैं मोटा हो जाऊंगा, मेरा वेट गेन हो जाएगा, मेरा पेट बाहर निकल जाएगा, तो उसके डर से वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, पर्गिंग करेगा। पर्गिंग का मतलब होता है अपने हाथों की उंगलियां, अपनी उंगलियां डाल के अपने गले तक पहुंचा के उल्टी करना, उसको कहते हैं पर्गिंग, उसको कहते हैं पर्गिंग। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बिंज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खा लेना, और पर्किंग का मतलब होता है वॉमिटिंग कर देना, मतलब खाने के बाद वॉमिटिंग कर देना जानबूझ के। ऐसे नहीं हो रहा है कि खाने के बाद उसको उल्टी आती है, कोई बीमारी नहीं है उसको, उसको कोई भी बीमारी नहीं है बच्चों, समझना यहाँ से, यहाँ यहाँ पे बंदा जानबूझ के खाएगा और जानबूझ के उल्टी करेगा, किसके डर से कि उसका वेट गेन हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा, उसका पेट बाहर निकल जाएगा, उस कंडीशन के हिसाब से वो क्या करेगा, बिंज ईटिंग करेगा और पर्किंग करेगा, साथ के साथ भी उल्टी कर देगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, उसका जो वेट होता है वो नॉर्मल रहता है, मतलब उसका वेट गेन नहीं होगा, उसका ना वेट गेन होगा ना लॉस होगा, मतलब लॉस की तरफ जा सकता है लेकिन गेन की तरफ नहीं जा सकता। आगे बात समझ में, आपको इसके अंदर, इस पेशेंट के अंदर आपको देखो उसके नकल्स जो है, नकल्स कैसे बोलते हैं, जो हमारे हमारे ये जो हमारे आपने पढ़ा होगा जब हम हैंडवॉशिंग स्टेप्स पढ़ते हैं, तो क्लीन द नक्कल्स, नक्कल्स को सब साफ करते हैं, इनको बोलते हैं नक्कल्स, ठीक है, इनको बोलते हैं नक्कल्स। तो आपको नक्कल्स कैसे देखने को मिलेंगे,
क्लिंजी नकल्स देखने को मिलेंगे, मतलब एकदम साफ देखने को मिलेंगे, और उसके अंदर कौन सा साइन होता है, और साफ होने के कारण यहाँ पे घाव पड़ जाएंगे, और घाव पड़ने को क्या कहते हैं, रसेल साइन, क्या कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि रसेल साइन कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कि विंज ईटिंग वाले या बुलेमी नर्वोसा वाले पेशेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, रसेल साइन देखने को मिलता है। मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूं, अगर कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, देखो अगर आपको ऐसा पेशेंट, ऐसे पेशेंट के हाथ अगर आपको दिखाई दे, अगर किसी दोस्त के, किसी फीमेल, आपकी जो फीमेल फ्रेंड है या आपके किसी आपका फ्रेंड है, उसके अगर ऐसे हाथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब समझना कि वो क्या करता है, उसको ईटिंग डिसऑर्डर से वो खाता है फिर उल्टी करता है, खाता है और फिर उल्टी करता है, ऐसे घाव बन जाएंगे, क्योंकि वो उंगली अंदर डालेगा और उंगली अंदर डाल के उसके छिल जाएंगे हाथ। आगे बात समझ में, एसिड की वजह से उसके हाथ जो है वो छिल जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रसेल साइन देखने को मिल जाएगा। आगे बात समझ में, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको दोनों बातें समझ में आई होंगी, आई होप। सबसे पहली बात मैंने आपको बुलेमिया नर्वोसा के बारे में बताया, बुलेमिया एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बताया। आगे बात समझ में, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर कुछ खाएगा नहीं और साथ साथ एक्सरसाइजेस करेगा तो उसका वेट लॉस हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर बुलेमिया नर्वोसा के अंदर पेशेंट खाएगा लेकिन क्या करेगा, उसके साथ साथ उल्टी कर देगा, बिंज ईट करेगा, पर्ज कर देगा। तो यहाँ पे पहला जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है एकदम करेक्ट आंसर है, जिसी बच्चे ने पहला सोच के रखा था वो आपका आंसर करेक्ट है। देखो दूसरा क्या कह रहा है कि आई इज एक्सपेक्टिंग द बॉडी साइज, की बॉडी साइज को एक्सेप्ट करेगा, भाई मोटा तो होना चाहता ही नहीं है वो, तो ये तो गलत बात है। ओवर ईट फॉर द एंजॉयमेंट एंड ईटिंग द फूड, भैया वो ज्यादा इसलिए खाता है कि उसको स्वाद आ रहा है खाने में, उसकी जो सब्जी बनाई है उसकी माँ ने, उसकी वाइफ ने, उसने खुद ने जो भी सब्जी बनाई है उसको बहुत स्वाद लग रही है, अच्छा लग रही है, तो इसीलिए वो ज्यादा खा रहा है, एंजॉय कर रहा है मील को। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो खाता तो है लेकिन उसके साथ उल्टी कर देता है, वो वाला सेंटेंस इसके अंदर नहीं है, इसीलिए ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। ओवर ईट इज अ रेस्पॉन्स एंड लूजिंग द कंट्रोल डाइट, नहीं, डाइट पे कंट्रोल तो वो करेगा ही नहीं, वो दबा के खा लेगा। डाइट पे कंट्रोल वो करते हैं जिनको थोड़ा सा वेट लॉस करना है, जैसे कि मैं ऐसे ही चीजों को कंट्रोल करना होता है। आगे बात समझ में, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ समझते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आई होप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझना, लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाला है। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट एंड हु डेवलप द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। देखो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, और क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन, ये एक दो क्वेश्चन यहाँ से कंपार्टमेंट सिंड्रोम से बनते हैं। आज आपका डाउट जो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अलोंग वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या देखा कि नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट एंड हु डेवलप द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक पेशेंट के अंदर हो चुका है, एंड फ्रॉम द सीवियरली फ्रैक्चर्ड आर्म, जिसकी फ्रैक्चर हुआ था, एक आर्म में फ्रैक्चर हुआ था, उसके अंदर आपने प्लास्टर कास्ट लगाया, उसके अंदर क्या हो गया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बनने के चांसेस हो गए हैं। द क्लाइंट आस्क द नर्स एंड हाउ दिस कैन हैपन, मतलब कैसे हुआ, ये क्वेश्चन पूछेगा क्लाइंट आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है नर्स से, नर्सिंग ऑफिसर से, कि ये कैसे हुआ। तो आप द नर्स रिस्पॉन्स द बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी नॉलेज के हिसाब से आप क्या आंसर करोगे, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब बताइए फटाफट से, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बोन फ्रेगमेंट हैज इंजर्ड द नर्व सप्लाई इन द एरिया, कि एक जो बोन का फ्रेगमेंट है वो आपकी नर्व सप्लाई को डैमेज कर देता है, उसकी वजह से क्या हो गया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया है। एंड इंजर्ड द आर्टरी एंड कॉजेज द इम्पेयर्ड आर्टरियल परफ्यूजन थ्रू द कंपार्टमेंट, कि उस कंपार्टमेंट में आर्टरियल आर्टरी जो है वो इंजर्ड हो चुकी है, उसकी वजह से परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग कॉज द ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग कॉज द इंक्रीज प्रेशर इन द एरिया एंड दैट कैन नॉट एक्सपांड, मतलब कि वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है ब्लीडिंग और स्वेलिंग की वजह से। द फेशिया एक्सपांड द इंजुरी, द फेशिया क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है इंजुरी एंड कॉजिंग द प्रेशर ऑन द अंडरलाइंग नर्व्स एंड मसल्स। क्या आपका आंसर होने वाला है, अपनी नॉलेज के हिसाब से आप क्या आंसर उस पेशेंट को दोगे। देखो कंपार्टमेंट सिंड्रोम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मतलब क्या है,
देखो, कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं। देखो, सपोज दैट किसी भी एक पेशेंट के, आपके पास एक पेशेंट आता है जिसका आर्म जो है, वो जो हाथ जो है उसका फ्रैक्चर हो गया है, जिसका आर्म जो है, हाथ जो है उसका फ्रैक्चर हो गया है, और फ्रैक्चर होने की वजह से वहां पे क्या आएगा बच्चों? फ्रैक्चर होने की वजह से वहां पे स्वेलिंग हो सकती है एंड ब्लीडिंग हो सकती है। समझना इस चीज को, मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ आपको, समझना कि फ्रैक्चर होने की वजह से क्या हो सकता है वहां पे? स्वेलिंग हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अब जब स्वेलिंग और ब्लीडिंग होगी तो वहां की जो मसल्स होंगी उस एरिया की, उस कंपार्टमेंट की, उस कंपार्टमेंट की जो मसल्स होंगी तो उस पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर ऑन मसल्स बाय स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग। तो ये ब्लीडिंग जो होगी, ये ब्लीडिंग जो होगी कंपार्टमेंट के अंदर होगी, और एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या करेगी? वो प्रेशर डालेगी, और जब प्रेशर डालेगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगली बात सुनो, इसका मतलब कि ब्लीडिंग और स्वेलिंग आपको जहां भी देखने को मिलता है वहां पे आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको बताया कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम हम किसे बोलते हैं? कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स वहां पे आ रहे हैं, उसको हमने सिंड्रोम बोल दिया। और कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि एरिया के अंदर, उस कंपार्टमेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर क्या देखने को मिलता है? प्रेशर आपको देखने को मिलता है। और जब ब्लीडिंग, देखो स्वेलिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, उस पर्टिकुलर एरिया में मसल्स के ऊपर क्या डाला जाएगा? देखो, मसल्स के ऊपर, नर्व्स के ऊपर, नर्व्स के ऊपर जा रहा आएगा, आर्टरीज के ऊपर देखा जाएगा। जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अगर आर्टरी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? अगर आर्टरी के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो क्या कंडीशन आपको देखने को मिलती है बच्चों? कि आपको हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, मतलब कि इस्चीमिया हम कह सकते हैं। आपको जो ब्लड सप्लाई है वो कैसी हो जाएगी? ब्लड सप्लाई कैसी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? स्टॉप हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? इस्चीमिया देखने को मिलेगा। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है? कि ब्लड सप्लाई अल्टर्ड हो गई है उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। तो वो पार्ट कैसा देखने को मिलेगा आपको? पेलर देखने को मिलेगा या पेल देखने को मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? और उसी वजह से क्या होगी? नर्व सप्लाई डैमेज हो जाएगी। और जब नर्व सप्लाई डैमेज होती है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? वहां पे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और जब भी नर्व सप्लाई होती है पेन, तो पेन देखने को मिलता है, वो भी सीवियर। और जब सीवियर पेन होगा तो आपको पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। तो आप जब खोल के उसके देखोगे तो पेन के साथ साथ आपको ब्लीडिंग और स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। उस कंडीशन को कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। और कंपार्टमेंट सिंड्रोम किसकी वजह से हुआ है बच्चों? फ्रैक्चर्ड आर्म में किसकी वजह से हुआ है? ब्लीडिंग और स्वेलिंग की वजह से। अगर ब्लीडिंग और स्वेलिंग नहीं होती तो प्रेशर नहीं पड़ता, प्रेशर की वजह से नर्व डैमेज नहीं होती, नर्व डैमेज की वजह से सिम्टम्स नहीं आते। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आ गई है? देखो, अगर नर्व डैमेज हो जाती है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब 4 to 6 आवर्स के अंदर इसको ट्रीट नहीं किया तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी? वर्स हो जाएगी। इस कंडीशन को हम कैसे कर सकते हैं? इसका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 to 6 आवर्स के अंदर इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं करते हो तो कंडीशन और भी ज्यादा फैल सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन थर्ड नंबर के क्वेश्चन में, थर्ड नंबर के ऑप्शन में क्या दिया गया है? कि ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग कॉज द इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द एरिया एंड दैट कैन नॉट एक्सपांड। बहुत ज्यादा एक्सपांड नहीं होता है वो ब्लीडिंग, और पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो क्या करती है? प्रेशर डालती है, उसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपको देखा जाता है। क्या मेरी बात आप तो यहां तक समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? ए नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट एंड वाज रिसेंटली एडमिटेड विद द हॉस्पिटल एंड डायग्नोसिस विद द एनोरेक्सिया नर्वोसा। भैया एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है, मैंने अभी अभी आपको बताया था बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है। एंड व्हेन द नर्स इंटर्न द रूम, व्हेन नर्स क्या करती है? इंटर करती है अपने रूम के अंदर एंड क्लाइंट एंगेज इन द राइगोरस पुशअप्स। क्या कह रहा है? कि बहुत ज्यादा तरीके से क्या कर रहा है? पुशअप्स भी मार रहा है। भैया एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है, पुशअप मार रहा है, तो विच नर्सिंग इंटरवेंशन आपका क्या होगा? थेरापोटिक पर्पस क्या होगा? नर्सिंग एक्शन वुड बी द थेरापोटिक, बताइए। देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि एनोरेक्सिया वाला जो पेशेंट होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये जो पेशेंट होते हैं बच्चों, ये ढीठ होते हैं।
ये कैसे होते हैं, ढीठ होते हैं। ढीठ का मतलब इनको कितना भी हम समझाएं ये समझते नहीं है, ये अपने मन की ही करते हैं, क्योंकि ये साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं। ये कोई, देखो ये कोई ऐसा जनरल मैकेनिज्म नहीं है, ये जनरल मैकेनिज्म नहीं है, ये कंडीशन उनके अंदर पाई जाती है जो साइकेट्री के अंदर चले जाते हैं या ओवर थिंकर जो होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं, उनकी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये इतने ढीठ होते हैं कि इनको कितना भी समझा लो आप ये समझने वाले नहीं है, कि वही करेंगे जो आप इसको क्या करोगे। तो इनको क्या बनाना पड़ता है, मूर्ख बनाना पड़ता है, इनको मूर्ख बनाना पड़ता है, मूर्ख बना के ही अपना काम निकालना होता है। आप एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एक नर्सिंग ऑफिसर की तरह काम कर रहे हो, आपके पास एक एनोरेक्सिया वाला पेशेंट आता है, आप उसके रूम में जाते हो और रूम में क्या कर रहा है, वो पुशअप्स मार रहा है बहुत लंबी लंबी और दबा के मार रहा है वो हार्ड। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला पेशेंट पहले तो क्या करेगा, फूड को अवॉइड करेगा, मतलब कि फूड क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा। अवॉइड का मतलब समझते हो कि वो फूड को नहीं खाएगा और उसके साथ साथ प्लस एक्सरसाइज करेगा। क्या कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है। तो फूड को अवॉइड कर रहा है प्लस एक्सरसाइज कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर ये कैसा हो जाएगा, ये तो मर जाएगा। इसके अंदर तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी हमें, सीवियर वेट लॉस देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सीवियर वेट लॉस देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन के अंदर इसको समझा दिया था, ठीक है। अब इस पेशेंट के अंदर आपको क्या करना है, उसकी पुशअप्स को रखवाना है, उसकी जो पुशअप्स वो दे रहा है उसको रुकवाना है कैसे भी करके। अगर वो नहीं रुका तो वो मर जाएगा, ये मान लो आपको। तो अब इसके अंदर आपको वो ढूंढना है जिसकी पुशअप्स को रुकवा दे, ठीक है। सबसे पहली चीज, अलाउ द क्लाइंट कंप्लीट द एक्सरसाइज प्रोग्राम, कि भैया आप अपना काम करते रहो, मरो जियो हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे कभी भी किसी पेशेंट के साथ नहीं करना है कि आप मरो जियो, आपको उसको बचाना है, 100% बचाना है, ठीक है। तो ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इंटरप्ट द क्लाइंट विद द वेट एंड क्लाइंट इमीडिएटली, ये भी गलत बात है, उसको इंटरप्ट करोगे उसका वेट आप चेक करोगे, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। इंटरप्ट द क्लाइंट एंड ऑफर टू टेक द क्लाइंट फॉर द वॉक। चौथा नंबर क्या कह रहा है, टेल द क्लाइंट दैट शी इज नॉट अलाउड द एक्सरसाइज रेगुलरली। टेल द क्लाइंट, उसको बोलना है, उसको बोलना है कि ये आपको अलाउड नहीं है, ये बंद कर दीजिए, ये नहीं करना है आपको। तो क्या आपकी बात मानेगा, वो जिंदगी में ना माने आपकी बात। मैंने आपको बताया कि ढीठ होते हैं ये, तो इसको बिल्कुल भी कैंसिल करना है। आपको क्या करना है, उसको मूर्ख बनाना है और मूर्ख बना के अपने साथ वॉक पे ले जाना है, उसको समझाना है, आओ आओ अपन चलते हैं, घूमने चलते हैं, आओ मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको उसको मूर्ख बनाना है ताकि वो क्या हो जाए, अपने काम से हट जाए और उसका जो पुशअप्स है वो रुक जाए। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको वॉक का ऑप्शन दे, आपको कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, आपको वो कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन उस ऑप्शन की तरफ आपको जाना है आगे बस इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हो। देखो मैं ये नहीं कहता कि आपने सारी चीजें पढ़ रखी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी क्योंकि आप अभी रेगुलर पढ़ रहे हो। आप अभी क्या कर रहे हो, रेगुलरिटी में पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर चीजें आप पढ़ रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको नॉलेज ज्यादा होगी। और उस कंडीशन में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्योंकि आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, तो ढंग से पढ़ें। ढंग से पढ़ने के बाद आप उसका आंसर करें, इजिली आपका आंसर निकल के आएगा आगे बस इसमें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर पता होता है आगे बस इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, द नर्स इज असिस्ट द फिजिशियन एंड विच ऑफ द रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब, मतलब कि चेस्ट ट्यूब वाला क्वेश्चन है कि आप, ये फंडामेंटल का क्वेश्चन आ गया बच्चों, कि फंडामेंटल के अंदर मैंने आपको चेस्ट ट्यूब पढ़ाई थी पूरी, फंडामेंटल मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी है, आप प्लीज जाके देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल। किसी भी एग्जाम के अंदर आप बैठ जाना, 30 से 40 क्वेश्चन, 100 में से 30 से 40 क्वेश्चन फंडामेंटल के होंगे, तो इसीलिए आप फंडामेंटल को अच्छे से पढ़ें, वहां से नोट्स बनाएं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट जो है आपके दिमाग में नहीं रहे और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो आगे बढ़ जाए आगे बस में। चलिए बताइए, द नर्स असिस्ट द फिजिशियन एंड दैट रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब एंड ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब, ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एक फिजिशियन है जो क्या निकाल रहा है, चेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल रहा है, उसके साथ साथ आपको ये समझाना है पेशेंट को कि आपको कौन सा काम करना है, कि आपको सांस लेनी है लंबी,
क्या आपको ब्रीथ नॉर्मली करना है कि आप नॉर्मल ब्रीथ करते रहो, जैसे सांस ले रहे हो वैसे लेते रहो? क्या आपको ब्रीथ आउट फोर्सफुली, मतलब कि आपको जो आपकी सांस है वो बहुत तेज निकालनी है, एक्सेल एंड बियर डाउन, एक्सेल एंड एक फ्लो में आपको निकालनी है। बियर डाउन का मतलब होता है काबू पाना, आप उसको कंट्रोल करके, आप उसको कंट्रोल करके क्या निकालोगे, बाहर निकालोगे, बताएंगे फटाफट। क्या आंसर आपका रहने वाला है? देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। आप अगर आप किसी बच्चे ने मेरी क्लासेस देखी हैं फंडामेंटल की, तो वो इजीली इस क्वेश्चन कर सकता है। क्या आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखो चेस्ट ट्यूब वाला क्वेश्चन है, चेस्ट ट्यूब के बारे में मैं आपको कुछ लाइनें बता देता हूँ। चेस्ट ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? वाटर सील चैम्बर, मतलब कि वाटर सील जो चैम्बर होता है उसके अंदर हम क्या डालते हैं, चेस्ट ट्यूब डालते हैं। देखो चेस्ट ट्यूब अलग होती है, वाटर सील चैम्बर अलग होता है, लेकिन हम इसको उसी में कनेक्ट करते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। तो वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब चेस्ट ट्यूब की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, कि एक तो मोस्ट कॉमन साइज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, कि इसकी मोस्ट कॉमन साइज क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने ईडी ट्यूब पढ़ाई थी, ईडी ट्यूब पढ़ाई मैंने वगैरह वगैरह आपको वो सारी चीजें पढ़ाई हैं, तो वहां पे सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो मोस्ट कॉमन जो साइज होती है वो 32 32 होती है, फ्रेंच इन मेल। कैसी होती है? मेल के अंदर मैं बात करूं तो 30 से 32 साइज होती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो 28 से 30 फ्रेंच किसके अंदर होती है? फीमेल के अंदर होती है। ये जो डेटा है एकदम वैलिडेट है, ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको ये आंसर जरूर करना है। आगे बात समझ। और साइट के बारे में पूछा जाता है कि आपको साइट कहाँ डालते हैं। देखो पहले मैं अगर आपको मोस्ट कॉमन साइट की बात करूं, तो मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस होती है। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस होती है, चेस्ट का मतलब आपको चेस्ट में ही डालनी है, इंटरकॉस्टल स्पेस इसके बीच में डालनी होती है। तो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इज द मोस्ट कॉमन साइट, क्योंकि हम एम्स में काम करते हैं, मैं एम्स में काम करता हूं, मेरे पास रोज ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं आईसीयू के अंदर। चेस्ट ट्यूब वाले नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि वहां पे जो मैक्सिमम, मैं ट्रॉमा सेंटर के अंदर काम करता हूँ, एम्स के जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पे काम करता हूँ और आईसीयू के अंदर काम करता हूँ। तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो एकदम ठोके ठोकाए आते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, उसको न्यूमो बनता ही बनता है। हर पेशेंट के अंदर एक ट्यूब डली होती है जिसको हम बोलते हैं चेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो फोर्थ इंटरकॉस्टल इज द मोस्ट, हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट सेफेस्ट होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इमरजेंसी के अंदर, मतलब कि इमरजेंसी मतलब आपको इमरजेंसी के अंदर डालना है, तो आपको फोर्थ इंट्राकॉस्टल स्पेस ही क्या करना होता है, रिवील करना होता है। आगे बात समझ में, आगे मेरी बात समझ में। तो यही सारी कंडीशंस आपको क्या करनी है, देखनी है। मेरी बात समझ में आई आप सभी को? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्वेश्चन से पूछा जाता है, देखो अब मैं आपसे साइट की बात करता हूं, ये तो मोस्ट कॉमन वाली हो गई। अब मैं साइट की कैसे बात करूंगा, अगर किसी पेशेंट के छाती के अंदर एयर भरी हुई है, अगर किसी पेशेंट के अंदर फ्लूड भरा हुआ है, अगर एक पेशेंट है जिसके अंदर एयर भरी है और किसी पेशेंट के अंदर क्या है, फ्लूड भरा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे? देखो एयर वाले पेशेंट के अंदर आप कहां से डालोगे, उस चेस्ट ट्यूब को कहां डालोगे? सबसे पहली बात मैं आपको एक नॉर्मल फिनोमिना समझाता हूं, जैसे ये पानी की बोतल है, ठीक है, ये पानी की बोतल है। अब पानी की बोतल के अंदर ऊपर वाले हिस्से में क्या है बच्चों, एयर है, और नीचे वाले हिस्से में क्या है, फ्लूड है, पानी है, ठीक है। अब किसी की छाती में पानी भर गया है तो ऊपर से डालोगे या नीचे से डालोगे? नीचे से डालेंगे, तभी तो पानी बाहर निकलेगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा कि सर? बिल्कुल निकलेगा। अगर किसी को एयर निकालनी है, फ्लूड नहीं निकालना है, मतलब कि फ्लूड है ही नहीं, आपको फ्लूड है ही नहीं, आप ये समझो कि एयर भरी हुई है, तो एयर भरी हुई है तो आपको क्या करना है, मतलब कि न्यूमोथोरेक्स पेशेंट को हुआ है, एयर भरी हुई होती है, इसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। आगे बात समझ में? तो अगर एयर को निकालना है तो आप कहां डालोगे, ऊपर की तरफ डालोगे। आगे बात समझ में? आप कहां डालोगे, ऊपर की तरफ डालोगे, और ऊपर की तरफ से डाल के आपको क्या करना है, उसको ड्रेनेज करना है। आगे मेरी बात समझ में? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है बच्चों, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है किसी पेशेंट की चेस्ट में क्या भरी हुई है,
ट्यूब अगर किसी पेशेंट की उसमें एयर भरी हुई है तो आपको सेकंड और थर्ड रिब इंटरकॉस्टल स्पेस। आगे बात समझ में, आप सेकंड में डाल सकते हो, थर्ड में डाल सकते हो। अगर आपको यहाँ फ्लूड भरा हुआ है तो आपको 6-7 ICS मतलब कि इंट्राकॉस्टल स्पेस को आपको चूज करना पड़ेगा। आगे मेरी बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, बस समझने की देरी है। क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। आप अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो, अगर पूरा आपको लेक्चर समझना है तो मैंने पूरा लेक्चर वहां पे ले रखा है फंडामेंटल के लेक्चर्स के अंदर। आप प्लेलिस्ट में जाओगे यूट्यूब की में तो आपको सारे लेक्चर्स वहां पे देखने को मिलेंगे। आप वहां जाके देखें, आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ में चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जरूरी है देखना। आपने बलसलवा मैनोवर का नाम सुना है? अगर यहाँ पे बलसलवा मैनेवर होता तो आप क्या करते? ये तो आंसर आप सभी को पता है कि बलसलवा मैनेवर करते हैं। बलसलवा मैनेवर के अंदर क्या करते हैं, टेक ए डीप ब्रीथ लेते हैं और उसको स्लो डाउन क्या करते हैं, काबू पाके मतलब कि कंट्रोल में उसको छोड़ते हैं, उसको कहते हैं बलसलवा मैनेवर। आगे बात समझ में, तो पेशेंट को आपको क्या कहना है, पेशेंट को क्या कहना है बच्चों, कि आपको लंबी सांस लेनी है और धीरे से धीरे छोड़ना है। आगे बात समझ में, ऐसा करने से मतलब कि बलसलवा मैनेवर करने से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपकी जो थोरेसिक मतलब कि इंट्रा थोरेसिक प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, इंट्रा थोरेसिक प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। और जब इंट्रा थोरेसिक प्रेशर बढ़ता है तो इसका मतलब कि आपकी प्रेशर इंट्रा थोरेसिक जो प्रेशर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट एयर एंट्री मतलब कि आप उस जो वहां से चेस्ट ट्यूब निकाल रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे सर्जन हैं, वहां से चेस्ट ट्यूब निकाल रहे हैं, वहां से एयर जाने की संभावना जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, थोरेसिक कैविटी के अंदर ज्यादा है। तो उस प्रेशर को निकालने के लिए बाहर से अगर आप धीरे धीरे सांस लोगे या फिर आप सांस नॉर्मल तरीके से लोगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको एयर एंट्री देखने को मिलेगी। वापस से पेशेंट को क्या हो जाएगा, न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा, अब चली चलाई बात पे मैं आपको दो तीन क्वेश्चंस और बता देता हूँ। देखो, जब भी हम चेस्ट ट्यूब निकालते हैं, निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसको टाइट पैकिंग करनी होती है उस छेद की, तो जहां से आपने निकाला है उसकी टाइट पैकिंग करनी होती है विद द गॉज पीस। कैसे करना होता है, गॉज पीस के साथ आपको क्या करना होता है, सो टाइट ड्रेसिंग करनी होती है ताकि एयर एंट्री पॉसिबल ना हो, एयर अंदर ना जाए। और जैसे ही आपको क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि आपने चेस्ट ट्यूब निकलवा दी, निकलवाने के आपके बाद उसका बाद तुरंत काम क्या होगा, कि आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने टाइट उसको क्या कर दिया, गॉज पीस से पैक कर दिया। दूसरा काम आप क्या करोगे, एक्सरे करवाओ, पेशेंट का एक्सरे करवाओगे। एक्सरे के अंदर आप क्या देखोगे, न्यूमोथोरेक्स देखोगे। न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, न्यूमो का मतलब होता है एयर, थोरेक्स का मतलब होता है थोरेसिक कैविटी, तो न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर एयर तो नहीं है। आगे मेरी बात समझ में, देखो मैं आपको और चीजें बताता हूँ यहाँ पे, ये सब मैं क्लीन कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपको बताता हूँ, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज एक होता है, लिख लेना अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है एयर एक्यूमुलेशन इन द थोरेसिक कैविटी। क्या होता है बच्चों, एयर एक्यूमुलेशन इन द थोरेसिक कैविटी। आगे बात समझ में, एक होता है प्लूरल इफ्यूजन। देखो, आप एक काम समझो, हाइड्रोथोरेक्स की मतलब समझो, अगर आपको ये देखने को मिले हाइड्रो हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, मतलब कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द थोरेसिक कैविटी। आगे बात समझ में,
अगर किसी को पायोथोरेक्स आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले, पायोथोरेक्स, पायोथोरेक्स का मतलब होता है पस, तो पस का एक्यूमुलेशन हो जाना थोरेसिक कैविटी के अंदर, अगर आपको क्या देखने को मिले, अगर आपको हीमोथोरेक्स देखने को मिले, हीमोथोरेक्स देखने को मिले, इसका मतलब होता है कि आपका छाती के अंदर या थोरेसिक कैविटी के अंदर ब्लड भरा हुआ है, तो ब्लड एक्यूमुलेशन इन द थोरेसिक कैविटी। आगे बस में तीन या चार चीजें आपको याद होनी चाहिए, हाइड्रोथोरेक्स क्या होता है, पायोथोरेक्स क्या होता है, हीमोथोरेक्स क्या होता है, नीमोथोरेक्स क्या होता है, ये चार चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात समझ, चलिए आई होप सभी को समझ में आए होंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द नर्स असिस्ट द पेरिफेरल इंट्रावीनस टेस्टिंग। नर्स क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है, नर्सिंग ऑफिसर, आप एम्स के अंदर काम करते हो, सपोज दैट आप किसी भी क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप उसको इमेजिन करो, आप अगर जो बंदा हॉस्पिटल के अंदर काम करता है वो अच्छे से इमेजिन कर सकता है, जिसने हॉस्पिटल के अंदर काम नहीं किया है वो इमेजिन थोड़ा बहुत कम कर सकता है, ठीक है, लेकिन सबने इंटर्नशिप की होती है। आप सपोज दैट एक वार्ड के अंदर हो, चाहे एम्स हो, चाहे एसएमएस हो, चाहे कुछ भी हो, आप एम्स के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, आपने देखा, आपने एक पेशेंट को देखा कि उसकी क्या है, आईवी ड्रेसिंग, आईवी ड्रेसिंग नॉट दैट डैम दैट इज डैम डैम एंड टेप इज लूज, आपने जो टेप लगाया है आईवी ड्रेसिंग पे, कैनुला पे, वो हटा हुआ है, लूज है, द बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या करोगे आप, सबसे पहला काम क्या करोगे मुझे ये बताएंगे। देखो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, आईवी के अंदर हमें कभी भी एयर एंट्री को क्या करना है, नहीं देना है, तो एयर एंट्री को हमें प्रिवेंट करना होता है, सबसे पहली बात कि आपको एयर नहीं जाने देना है, आपका पहला काम होता है, तो एयर को नहीं जाए, एयर चली जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, एयर एम्बोलिज्म के चांसेस देखने को मिलते हैं, और एयर एम्बोलिज्म क्या कर सकता है, डेथ कर सकता है पेशेंट की, पता है आप सभी को, एयर एम्बोलिज्म क्या कर सकता है, डेथ का कॉज बन सकता है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉप द इन्फ्यूजन इमिडिएटली, कि आपको तुरंत के तुरंत बंद कर देना है, अप्लाई द स्टराइल ऑक्यूम ड्रेसिंग, कि आपको क्या करना है, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग आपको क्या कर देनी है, स्टराइल ड्रेसिंग को वापस पुट कर देना है, एंश्योर द टाइट ट्यूबिंग्स एंड कनेक्शन, आप क्या करोगे, टाइट ट्यूबिंग्स मतलब ट्यूबिंग्स को टाइट कर दोगे और करोगे, इंश्योर करोगे कनेक्शन को कि कोई ढीला तो नहीं है, कि वहां से एयर लीकेज हो जाए, आगे बस में, और चौथा रिमूव द आईवी लाइंस एंड इंसर्ट द न्यू आईवी। देखो यहाँ पे नए आईवी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टराइल ड्रेसिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सबसे पहला काम करना होता है कि आपको ये इंश्योर करना है कि हमारा जो, हमने जो आईवी लाइन्स लगाई है वो एकदम टाइट है या नहीं है, वो एकदम टाइट है या नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है, आपको सबसे पहले आईवी टाइट देखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रेसिंग को अप्लाई करना है, नई ड्रेसिंग्स को अप्लाई करना है। आगे बात समझ में, सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, आगे बात समझ में, चले अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, द नर्स असिस्ट द वाटर सील चैम्बर। नर्स क्या कर रही है, वाटर सील चैम्बर को असिस्ट कर रही है, ऑफ द क्लोज ड्रेनेज, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम एंड नोट फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है टाइडलिंग, आप सभी ने पढ़ा होगा, टाइडलिंग, टाइडलिंग का मतलब होता है अप एंड डाउन, क्या होता है, अप एंड, अगर किसी ने ये लेक्चर लिया है तो 100% इसका कर देगा आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्स असिस्ट कर रही है वाटर सील चैम्बर को, एनक्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम को कर रही है, एंड नर्स नोट द फ्लक्चुएशन, नर्स नोट द फ्लक्चुएशन इन द चैम्बर, चैम्बर के अंदर फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, मतलब अप एंड डाउन हो रहा है, एंड नर्स डिटरमाइन द फाइंडिंग इंडिकेट, मतलब कि नर्स क्या डिटरमाइन करेगी, क्या कंडीशन हो सकती है। देखो बहुत इजी भी मैं आपको समझाता हूँ, किसी पेशेंट को एक वाटर सील चैम्बर लगा हुआ है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम लगा है, ठीक है, अब उसके अंदर तीन चैम्बर्स होते हैं हमारे बारे बच्चों, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो कि तीन चैम्बर होते हैं, ठीक है, आप मोटा मोटी समझ लीजिए, देखो बहुत डिटेल में आपको मैं समझा नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम डील कर रहे हैं, तो मैं आपको एक मोटा मोटी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि वाटर सील चैम्बर के अंदर क्या होता है। देखो ये पहली बात तो ये सील होता है, सील का मतलब समझते हो कि इसके अंदर एयर को नहीं जाने देना है कैसे भी कंडीशन के अंदर, ठीक है, अगर एयर चली जाती है तो पेशेंट क्या हो सकता है, नीमोथोरैक्स बन सकता है, नीमो की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को डेथ हो सकती है, इसीलिए आपको क्या करना है, वाटर सील चैनल सिस्टम को क्या करना है, कभी भी क्लैंप नहीं करना होता है,
डू नॉट क्लैम, कभी भी नहीं करना होता जब तक कि डॉक्टर ऑर्डर ना दे, लिखित में ऑर्डर ना दे, ठीक है। लिखित में अगर ऑर्डर ना देता है डॉक्टर तो आपको क्या करना है, कभी भी इसको क्लैंप नहीं करना है, आगे बात समझ में। और हमेशा जहां पे भी आपको वाटर सील चैम्बर लगा होता है वहां पे आपको एक एनएस की बोतल रखनी होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर है कि आपको वाटर सील, एक पेशेंट है आपके पास, एक पेशेंट है वाटर सील चैम्बर लगा हुआ है, अगर उसका अचानक से टूट जाता है वाटर सील चैम्बर तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, तुरंत आपको क्या करना चाहिए कि उसको पकड़ के आपको एनएस की बोतल में डिप कर देना चाहिए, आगे बात समझ में। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कितना एमएल सलाइन भरना होता है, तो आपको 100 ml सलाइन भरना होता है, आगे बात समझ में। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लक्चुएशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये हमारा चैम्बर है सपोज दैट, इसके अंदर एक टिप है, इसके अंदर एक क्या है, नली जा रही है, इसके अंदर नली है जो कि कनेक्टेड है हमारे चेस्ट ट्यूब से साथ, ठीक है। अब पेशेंट सांस लेगा तो मतलब सांस ले रहा है तो ये क्या होगा, फ्लूड जो होगा इसका, इसमें अंदर जो फ्लूड होगा ना वो क्या करेगा, अप करेगा, मतलब इनहेल के साथ आप जो सांस लोगे तो ये फ्लूड ऊपर जाएगा और सांस छोड़ोगे तो नीचे आएगा, सांस लोगे तो ऊपर जाएगा, मतलब कि ये चलता ही रहता है फिनोमिना, आप सांस लोगे तो ऊपर जाएगा, सांस छोड़ोगे तो नीचे आएगा, ठीक है। सांस लोगे तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशंस, इसको बोलते हैं टाइडलिंग, इसको बोलते हैं टाइडलिंग। टाइडलिंग इज द मोस्ट कॉमन, हम कह सकते हैं कि साइन, मोस्ट कॉमन साइन, मतलब कि टाइडलिंग प्रेजेंट है, मतलब कि हमारा वाटर सील चैम्बर, हमारा चेस्ट ट्यूब फंक्शनिंग है, अच्छे से काम कर रहा है, आगे बस समझ में। तो ये होना बहुत जरूरी है, टाइडलिंग से आपको घबराना नहीं है। अगर टाइडलिंग नहीं होती है, अगर टाइडलिंग नहीं होती है, अप एंड डाउन नहीं होता है, तो दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारी जो ट्यूब है या ट्यूबिंग्स है वो किंक हो चुकी है, किंक कैसे हो गई, किंक हो चुकी है, या फिर हमारा जो कंडीशन है वो रिजॉल्व हो गई है, कंडीशन जो है वो रिजॉल्व हो गई है, आगे बात समझ में। दो दो कंडीशन हो सकती है, या तो किंक हो सकता है, अगर टाइडलिंग प्रेजेंट नहीं है तो या तो किंक हो सकती है, या फिर कैसा हो सकता है, कंडीशन जो है वो रिजॉल्व हो गई है, आगे बात समझ में। तो ये कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि फ्लक्चुएशंस, नर्स क्या कर रही है, नोट कर रही है कि फ्लक्चुएशंस वहां पे है, तो इसका मतलब ट्यूबिंग किंक है, नहीं, ट्यूबिंग किंक कब बताया, जब फ्लक्चुएशन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो एयर लीकेज प्रेजेंट नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर एयर लीकेज होगी तो क्या देखने को मिलेगा आपको, बुलबुले देखने को मिलेंगे, पानी के अंदर बुलबुले आपको देखने को मिलेंगे। द लंग हैज री एक्सपांड, द लंग हैंग री एक्सपांड, द लंग हैज री एक्सपांड, ठीक है, एंड द सिस्टम इज फंक्शनिंग एज एक्सपेक्टेड, द सिस्टम हैज फंक्शनिंग एज एक्सपेक्टेड, मतलब आप क्या कर रहे हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ही काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया मतलब कि टाइडलिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर किसके अंदर, वाटर सील चैम्बर के अंदर, आगे बात समझ में। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया सभी को, अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आपको चेस्ट ट्यूब वाला लेक्चर जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, पूरा लेक्चर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, आगे बात समझ में। चले बहुत बढ़िया। द नर्स अंडरस्टैंड दैट Which of the following are the clinical indicator for the intravenous fluid? Select all that apply. देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी बात करी गई है कि एक नर्स, एक नर्सिंग ऑफिसर अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड कब करेगा, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल इंडिकेटर, इंट्रावीनस मतलब कि आईवी फ्लूड कब लगाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और उसको घबराना नहीं है, बस घबराने की बात नहीं करनी है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको इजीली क्वेश्चन को समझाऊंगा। देख सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि आईवी फ्लूड आप कब लगाओगे पेशेंट को, जब फ्लूड की कमी होगी, सिंपल है कि फ्लूड जब बॉडी में कम होगा तभी आप क्या लगाओगे, आईवी फ्लूड लगाओगे, लगाओगे नहीं होगा। अब जब आई फ्लूड होगा तो कौन कौन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। देखो सिंकोप, ऐसी सिंकोप एपिसोड्स की बात करी गई है। बाउंडिंग पल्स रेट, बाउंडिंग पल्स रेट का मतलब क्या होता है, देखो दो तरह की पल्स होती है, दो तरह की पल्स होती है, एक होती है बाउंडिंग, एक होती है थ्रेडी, एक होती है बाउंडिंग पल्स होती है, एक होती है थ्रेडी,
इसका मतलब होता है वीक, मतलब कमजोर पल्स आना, एक होता है, एक ये उसका मतलब होता है फुल वॉल्यूम। अब जब फुल वॉल्यूम का जो पल्स आपको देखने को मिलेगी वो कहाँ देखने को मिलेगी, फुल वॉल्यूम जो पल्स होगी वो कहाँ देखने को मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूड का लेवल है वो कैसा है, इंक्रीज है, कि कच्चा खासा आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट है तो बाउंडिंग पल्स आपको देखने को मिलती है। थ्रेडी पल्स का मतलब होता है पीक पल्स आपको कब देखने को मिलेगी, जब फ्लूड लेवल कम होगा। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। एक होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर का मतलब होता है कि जब भी क्रॉनिक रीनल फेलियर CRF, देखो क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, अगर रीनल फेल हो जाता है किसी पेशेंट का तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लूड का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है, फ्लूड वॉल्यूम कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलती है आपको, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, कभी भी उस पेशेंट के अंदर हमें फ्लूड नहीं देना है क्योंकि ओवरलोड हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये आंसर तो तीनों गलत हो गए हैं। अब हम देखते हैं चौथा आंसर क्या कहता है, रैपिड वीक एंड थ्रेडी पल्स। मैंने अभी आपको बताया था वीक एंड रेड थ्रेडी पल्स के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लूड दे सकते हैं, बहुत बढ़िया दे सकते हैं, मतलब कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब सीरम एंड इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मलिटीज, बहुत बढ़िया, कि देखो आप क्या दोगे फ्लूड के अंदर, आई फ्लूड के अंदर क्या दोगे, RL दोगे, RL के अंदर क्या है, KCl भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है उसके अंदर, है या नहीं है, कि सर बिल्कुल है, तो उसको अबनॉर्मलिटीज को नॉर्मल लाने के लिए हमें क्या देना होता है, फ्लूड देना होता है, तो इसीलिए हम इसको भी दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, छठा ऑप्शन, अबनॉर्मल सीरम एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी लेवल। अब नॉर्मल अगर आएगा तो हमें नॉर्मल करना पड़ेगा, और नॉर्मल किससे हो जाएगा, पॉलीफ्लूड से हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है बच्चों? देखो तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, तीनों ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं नीचे वाले वो बिल्कुल सही हैं, चौथा पांचवा और छठा, जिसका भी सही आंसर है वो बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, कॉमन सेंस अच्छा है, जजमेंट अच्छा है उसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए चाइल्ड इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद द डायग्नोसिस ऑफ रोमेटिक फीवर। देखो रोमेटिक फीवर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है समझना। ए चाइल्ड एडमिटेड विद द हॉस्पिटल विद द डायग्नोसिस ऑफ रोमेटिक फीवर, द नर्स रिव्यूज द ब्लड लेबोरेटरी फाइंडिंग। नर्स क्या कर रही है, एक नर्स क्या काम कर रही है, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स को क्या कर रही है, फाइंड कर रही है, एंड नोइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंफर्म द लाइकलीहुड ऑफ द डिसऑर्डर, कि आपको क्या करना है इसके अंदर, क्या कंडीशन, डायग्नोसिस को मेंटेन करने के लिए, डायग्नोसिस को समझने के लिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन यहां पे बताया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि ए चाइल्ड एडमिटेड विद द हॉस्पिटल विद ए डायग्नोसिस ऑफ रोमेटिक फीवर, रोमेटिक फीवर का पेशेंट है, ध्यान रखना इसको, आपको रोमेटिक फीवर को डायग्नोस करना है, सिंपल सी बात यहाँ पे करी गई है। तो जब भी हम क्या करते हैं, रोमेटिक फीवर को डायग्नोस करते हैं तो कौन सी कंडीशन में देखते हैं, देखो रोमेटिक फीवर जो होता है वो मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है, रोमेटिक फीवर मिल तो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। अब चिल्ड्रंस के अंदर जो मोस्ट कॉमन इसका हम कह सकते हैं जो एजेंट होता है, इसका एजेंट जो होता है वो कौन होता है, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका है, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका है, इसका मोस्ट कॉमन एजेंट होता है, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऑफ द डे, यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां से कैसा क्वेश्चन बना हुआ है, रोमेटिक फीवर का एजेंट आपसे पूछा जाता है, रोमेटिक फीवर किसके अंदर कॉमन होता है और ये कैसा होता है, रोमेटिक फीवर के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, बीटा हेमेटोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका के द्वारा ये कॉज होता है, इसके अंदर आपको क्या कंडीशन देखने को मिलती है मेरे प्यारे लाल लालियों, इसके अंदर क्या कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर क्या आपको देखने को मिलता है। देखो जब भी इसका डायग्नोस करना होता है, जब भी इसका डायग्नोसिस करना होता है तो हमें ASO टाइटर करवाना होता है, ASO टाइटर के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, इसकी एंटीबॉडीज देखने को मिलती है, एंटीजन्स देखने को मिलते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो आपको बेधड़क आपको आंसर करना होता है, ASO एंटीबॉडीज जो होती है वो बढ़ जाती है, क्या होता है, एंटी ट्रिप्स एंटी स्टेप्टोलिन ASO, ASO टाइटर आपको करवाना है, उसके अंदर आपको रोमेटिक फीवर की एंटीबॉडीज आपको देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है कि थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, इंक्रीज, देखो पहला क्या कह रहा है कि इंक्रीज लेकोसाइट काउंट,
ल्यूकोसाइट काउंट मतलब कि डब्ल्यूबीसी के काउंट तो बढ़ते हैं जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है, तो डब्ल्यूबीसी उसके लिए सबसे पहले जाती है उसको लड़ाई करने के लिए, तो उसका अपना काउंट बढ़ाती है, उस कंडीशन को कहते हैं डब्ल्यूबीसी इंक्रीज काउंट। ठीक है, जब भी ये बढ़ती है तो इन्फेक्शन को डिटेन करती है, लेकिन ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन को नहीं बताती है, ये सिर्फ आपको क्या बताएगी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आ चुका है। अगर आपने लेबोरेटरी सीबीसी करवाई उसके अंदर डब्ल्यूसी का लेवल बढ़ा हुआ आया, तो इसका मतलब आप समझना कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन के बारे में बताएगी, ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन के बारे में नहीं बताएगी। आगे बात समझ में, डिक्रीज हीमोग्लोबिन काउंट ऐसा कुछ नहीं होता, हीमोग्लोबिन काउंट कम होता है लेकिन इसका ये डायग्नोसिस नहीं है। ये देखो मैंने आपको बताया कि बीटा हीमोलाइटिक, ये हीमोलाइटिक मतलब कि हीमोग्लोबिन को तोड़ता है ये। इसके बाद क्या कर सकते हो आप, ये आपको देखने को तो मिलेगा लेकिन ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं होगा। आपने हीमोग्लोबिन का सपोज इट आपने हीमोग्लोबिन करवाया किसी पेशेंट का, उसका कम आया, तो आप क्या रूमेटिक फीवर की तरफ जाओगे या अदर ऑप्शंस की तरफ जाओगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप फिक्स उसका एक देखो, एक बीमारी का हर एक बीमारी का हर एक डायग्नोसिस अलग अलग होता है, और उस बीमारी का डायग्नोसिस वो स्पेसिफाई करता है कि ये बीमारी इस डायग्नोसिस से पता लगेगी। आगे बात समझ में, तो ऐसी लिए हर बीमारी का अलग अलग क्या होता है, डायग्नोसिस होता है। आगे बात समझ में, डिक्रीज द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बात समझ में चले, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन जो है आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो सारी रामलीलाएं चलती रहेंगी, क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। द नर्स प्लान, अलग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नर्स प्लान द केयर विद द डायग्नोस विद द रीनल, हमारा एंड स्टेज रीनल डिजीज मतलब कि ESRD का पेशेंट है। विच फाइंडिंग, एंड स्टेज का मतलब होता है कि रीनल, अब से रीनल सिस्टम खराब हो चुके हैं, यूनिट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो विच फाइंडिंग डज नॉट डज द नर्स एक्सेप्ट द फाइंडिंग क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का क्वेश्चन है, समझना है इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली बात तो रीनल सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा है, मतलब एंड स्टेज है रीनल सिस्टम, जब भी काम नहीं करता है तो हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है या फिर निल हो जाता है। ठीक है, एंड स्टेज है तो निल ही आपको देखने को मिलेगा, और जब निल हो जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लूड रिटेंशन देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, फ्लूड रिटेंशन आपको देखने को मिलेगा, फ्लूड रिटेंशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर फ्लूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉडी फ्लूड इंक्रीज कैसा हुआ कि बॉडी का जो फ्लूड लेवल है वो इंक्रीज हो गया। अब जब बॉडी का फ्लूड इंक्रीज हो जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, एनीमिया आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ब्लड की कमी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो दोनों कंडीशंस आपको देखने को मिल रही हैं, मिल रही है नहीं मिल रही है। ठीक है, पॉलीयूरिया की बात करते हैं तो पॉलीयूरिया नहीं होता है, यूरिन आउटपुट लो होता है। ठीक है, ऑलिगो यूरिया होता है। और ब्रेडिकार्डिया कब होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर फ्लूड नहीं होता है, यहां तो फ्लूड भर भर के है, तो यहाँ क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा, ऑलिगो यूरिया आपको देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया की जगह ऑलिगोरिया, ऑलिगो यूरिया होगा, ब्रेडिकार्डिया की जगह टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन की जगह क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, क्या होगा, हाइपरटेंशन, क्योंकि फ्लूड ज्यादा है तो हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात समझ में, और ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस एक अलग बीमारी है। आगे बात समझ में, ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे रिलेट नहीं करती है। आगे बात समझ में चले अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया। A client has been admitted in the hospital. A client has been admitted in the hospital with the diagnosis of acute glomerulonephritis. Glomerulonephritis का मतलब होता है inflammation of the glomeruli. जो आपके nephrons होते हैं, nephron की structure होती है glomerulus. उसकी inflammation हो जाता है, glomerulonephritis कहलाता है. And during history taking the nurse and first ask the client about the client history. देखो सबसे पहली बात मैं आपको समझाता हूँ, जब भी glomerulonephritis होता है, उससे पहले या 2 to 3 weeks पहले क्या होता है? पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, उसको ही लीड करता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो आपको सबसे पहली बात आपको यही पूछनी है कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था स्ट्रेप्टोकोकस से, आपको कोई ऐसी खांसी जुकाम वगैरह कुछ तो नहीं हुआ था उससे पहले, क्योंकि यही सारे सिम्टम्स आते हैं जब भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, तो आपको यही सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, यही करनी। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर,
आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको मैंने बताया कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत कीमती है, क्वेश्चन को समझने का तरीका आपको आना चाहिए। देखो क्वेश्चन हर कोई करा सकता है, हर कोई कोचिंग वाला क्वेश्चन करा सकता है, लेकिन एक एक प्रोडक्टिव वे में आपको पूरी चीजें समझाते हुए कि आपका जो टॉपिक है वो यहीं पे कवर हो जाए, उसको समझाते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारा स्केलेटन नर्सिंग जो है वो समझाता है, उस बेसिस पे हम काम करते हैं कि हमारा मोटो ये नहीं है कि हमने कितने क्वेश्चंस आंसर करवाने हैं, हमारा मोटो ये है कि जब जो भी हम टॉपिक से क्वेश्चन ले रहे हैं उस टॉपिक को समझाना, उस टॉपिक को समझाना, उससे कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है उसके बारे में बताना। आई होप सभी को अच्छी लगी होगी क्लासेस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी और हमें भी दोनों को आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको चीजें अच्छी मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो और लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।